ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं वैशाली। जनपद अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र हसनपुर के गांव तरारा का रहने वाला सिपाही जिसकी 31 अक्टूबर 2019 को रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, आखिर उसके परिवार को न्याय की किरण मिल ही गई। आखिर कोर्ट को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना ही पड़ा। ऐसा होने पर मृतक के परिजनों ने अपनी खुशी को गांव में ढोल और ताशे बजाकर जाहिर किया। आपको बता दें कि दरअसल मामला जनपद अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र के गांव तरारा का है, जहां सिपाही प्रवीण कुमार बागपत जिले की टिकरी पुलिस चौकी पर तैनात था, जिसकी 31 अक्टूबर 2019 को रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और उसके परिजनों ने मौके पर पहुंचकर उसकी हत्या की आशंका जताई थी और चौकी इंचार्ज दरोगा समेत दो सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग भी की थी, लेकिन पुलिस के कुछ आला अफसरों ने मृतक सिपाही की परिजनों की गुहार को अनसुना कर दिया था, जिस कारण निराश होकर उसके परिजनों को वापस आना पड़ा था। परिजनों की तमाम कोशिशों के बाद भी मृतक सिपाही को कहीं न्याय की उम्मीद नहीं जगी। इस पूरे मामले से पीड़ित परिवार ने अंत में माननीय न्यायालय की शरण ली और आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की। हमारे गांव में 31 अक्टूबर 2019 को एक दुखद घटना हुई, जो हमारे भाई राजेंद्र सिंह का बेटा पुलिस चौकी टिकरी में तैनात था, उसको उसी के साथ ही SI ने मर्डर कर दिया। उससे जब से हमारे घर में मातम था, वहाँ के पुलिस प्रशासन से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला, उम्मीद नहीं हुई, उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद परिजनों को अदालत की शरण लेनी पड़ी। अदालत ने अपने निर्णय में उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराया है। इस उपलक्ष्य में इस गांव में खुशी का लहर है, न्याय मिलने का रास्ता खुला है और इस गाँव की जनता और जनता के साथ हम सब मिल करके उस कातिल अपराधी के साथ को फांसी की सजा की मांग करते हैं और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मेहनत मजदूरी करके नहीं है बेटा पढ़ाया, मैंने मजदूरी करके नहीं है और मेरे बेटा वहाँ तक पहुँचा और मेरे की हत्या कर दी और मैं बहुत गरीब और बहुत परेशान हूँ मैं और मुझे न्याय चाहिए मेरे बेटे को और उनको फांसी की सजा चाहिए, मुझे न्याय चाहिए और मैं बहुत परेशान मैंने बहुत वादा पढ़ाया अपना बेटा। इसके बाद न्यायालय द्वारा पीड़ित परिवार की सुनवाई करते हुए आरोपी दरोगा और दो सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश कर दिए गए। मुकदमा दर्ज होते ही परिजनों के साथ साथ पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उन्होंने ढोल व ताशे बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमरोहा से कविंदर सिंह की रिपोर्ट।